नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 का ये मंथली करंट अफेयर है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में जो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, इसे गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार, जिसका नाम है भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। तो भैरव घाटी में लंका पुल के पास तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा और ये स्थल 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। संरक्षण केंद्र सिक्योर हिमालयन हिमालय परियोजना के अंतर्गत 4.87 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर राधा रतूड़ी को नियुक्त किया गया है। तो आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी को उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। राधा रतूड़ी प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव बनी है और पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शनलाल, इन तीनों को ही शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो हाल ही में चमोली जिले की तीन हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें बिरही गांव की है नर्मदा देवी, जो पिछले 15 साल से ऊन के दन और कालीन बनाने के लिए इन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कोठियालसैंण के रामपुरा गांव के कांति देवी, इन्हें शॉल बनाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा नौटी के है दर्शन लाल को, इन्हें काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों से पुरस्कृत किया गया है शिल्प रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर फोर है, उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो जीवन रक्षक पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा उत्तराखंड में, तो नरेश जोशी को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 25 जिंदगियों को बचाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा की गई थी और उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड करंट अफेयर की जो सभी नोट्स है या ई बुक नोट्स है, ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। इस ई बुक स्टोर में जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया। तो ये किसने किया है, राजेंद्र सिंह नाथ। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स असम के मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ द्वारा 29 जनवरी 2024 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ को सफलतापूर्वक फतह किया गया और ये उत्तराखंड पुलिस के प्रथम जवान है जिनके द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है,
उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो उत्तराखंड की जो पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश है, ऋतु बाहरी बनी है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और पद की शपथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिलाई है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 217 के तहत। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या वह है 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो जो ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना है, एम्स। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने नियमित ड्रोन सेवा शुरू कर दी है और ये देश का पहला संस्थान बना है। जो एम्स ऋषिकेश है, ये मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। उद्देश्य है, इससे उत्तराखंड के जो पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्र है, इसमें आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। तो डी ऑप्शन सही जवाब। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता पेश की है। और समान नागरिक जो संहिता है, इसका मसौदा जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 17 लोगों को। तो उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई और वर्ष 2023 के लिए 17 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए शिक्षकों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का जो पहला राज्य है, तो कौन बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। तो बी ऑप्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर करने के लिए समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। उद्देश्य क्या है? आपदा से आने से पहले हताहतों की संख्या को कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भी किया गया है IIT रुड़की के साथ ही। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? सेवारत कर्मियों के लिए युद्ध चिकित्सा सहायता और रोगी देखभाल में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? देहरादून में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के जो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल अनिल चौहान।
नंबर 14 है, उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड में 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डिटेल जान लेते हैं तो देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें से 6 साहित्यकारों को उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार दिया गया, 3 साहित्यकारों को उत्तराखंड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार और 1 साहित्यकार को साहित्यिक पत्र पत्रिका लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हिमालयन बास्केट की जो शुरुआत है ये उत्तराखंड में की गई है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया और जो हिमालयन बास्केट है इसकी शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। जो हिमालयन बास्केट है इसके तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग-अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए फरवरी 2024 के उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर और जो ये सभी नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। साथ ही अगर आपको जड़धारी क्लासेस की करंट अफेयर की ईबुक चाहिए हाफ ईयरली या ईयरली तो वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में या उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। ये हमारे ई बुक स्टोर है, यहाँ पर जरदारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।